गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम दादर के गेट पर शुरू कर रहे हैं, जो और आप सभी को इधर भी घुमाने वाले हैं। चलो हम आपको क्या कैमरे से दिखाते हैं और आप सभी को ऐसे जो दीपक जल रहा है वो हमेशा ही ऐसे ही जलता ही रहता है, बुझता नहीं है, कुछ कभी नहीं है। तो मस्त बनाया गया है, अच्छी। चलो हम आपको अभी घुमाने वाले हैं, किसी हाथ में घुमाने वाले हैं। चलो अगर घुमा दें रे बाबा। हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से यहाँ तक भी कुछ अनोखा सा है। तो चलो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आए और आप सभी को दिखाया नहीं तो मजा का आने वाला है रे बाबा। बस यहाँ पे ना कुछ मेरी आँखें ऐसा व्यू है जो कि घूमने में मजा आने वाला है ना भाई। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। चलो हम यहाँ से आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। मंदिर में ऐसे यहाँ पे अकेले में घूमने में मजा नहीं है, कोई और होता तो मजा आ जाता है। अर्शों की परियों का मैं इसलिए गाइस सुनता हूँ, कभी भी आओ तो अपने दोस्त के साथ या किसी और के साथ आओ, क्योंकि चिल करने के लिए मिले यहाँ पे, तभी मज़ा आएगा गाइस। सभी हम यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है इसीलिए। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ का ब्लॉगिंग एक बार और करूँगा रिएक्शन, क्योंकि सभी फाइनली हम पहुँच चुके चौपाटी। आप सभी को बैक कैमरे से यहाँ का समुद्र दिखाने वाले हैं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और। गाइस देख सकते हो यहाँ पे अपने अपने कपल्स के साथ बैठे हुए, तो यही सब सीन है इधर का। कुछ सीन है भाई, ये दुख का ख़त्म नहीं होता हुआ। आप सबको कैसे लगा है वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो गाइस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे सामने वाली की